हमारे देश में अशोक कुमार जैसे लाखों सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन हमारे कथित सभ्य समाज के लोग, पढ़े लिखे लोग, रसूखदार लोग, उनका स्वाभिमान कुचलने का काम हर रोज हर मिनट कर रहे हैं। सच यह है कि हमारे देश में अब एक नई वर्ण व्यवस्था बन गई है। आपको याद होगा हमारे देश में तो पुराने जमाने से वर्ण व्यवस्था रही है, जाति व्यवस्था रही है, जिसे हम आज भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जातियों की व्यवस्था को तो हम अब धीरे धीरे तोड़ रहे हैं, पीछे छोड़ रहे हैं, लेकिन एक नई व्यवस्था हमारे देश में बन गई है, हमारे समाज में। और अब जो नई वर्ण व्यवस्था है वो है अमीर और गरीब की। अब हमारा देश, हमारा समाज इन दो गुटों में बट गया है, एक है अमीर और दूसरे हैं गरीब। अमीर वर्ण के कई लोग चाहते हैं कि उन्हें साहब कहकर पुकारा जाए, उनके नाम के साथ सम्मान में जी लगाया जाए, उन्हें सर कहा जाए, लेकिन इस सम्मान के बदले में वो बाकी लोगों को गालियां, अपमान और अपशब्द देने से हिचकते नहीं। लेकिन अब समय आ गया है कि इस सोच को बदला जाए। ये जो मुहिम है जिसका नाम है मेरा स्वाभिमान, ऐसे ही सोच को बदलने के लिए है। और इस अभियान को शुरू भले ही हम आज कर रहे हैं, लेकिन इस अभियान को जो गति देनी है वो आपको देनी है। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, एक मेन स्ट्रीम मीडिया होने के नाते, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि हम आपको आज रात के 9 बजे के शो में सबसे पहली खबर इस अभियान के बारे में बता रहे हैं। अपना एयर टाइम, अपनी शक्ति, अपनी ताकत सब कुछ इसमें लगा रहे हैं ताकि हमारे देश के 80 करोड़ ऐसे जो लोग हैं, जो परिश्रमी हैं, ईमानदार हैं, जिनका सम्मान होना चाहिए, उन्हें उनका स्वाभिमान वापस मिले। लेकिन ये मुहिम तब तक सफल नहीं होगी जब तक हमारे देश के लोग हमारे साथ इस अभियान में शामिल नहीं होंगे। इसलिए अगर आप भी मानते हैं कि ईमानदारी से काम करने वाले हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का पूरा अधिकार है, तो आज आप इसी समय से इस अभियान के साथ जुड़िए, इसका हिस्सा बनिए। और यह सबसे आवश्यक है कि आप अपनी सोच को आज से, अभी से बदलने की कोशिश करें। इस अभियान से आप सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं, और यह आज हमारी आपसे अपील है कि आपको जुड़ना चाहिए, यह आपकी जिम्मेदारी है। यदि आपके साथ या आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती है जिसमें आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है, तो आप उसके बारे में एक वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। आप अपनी कहानी इस वीडियो में हमें सुना सकते हैं, और अब से आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई होगी। हम वो वीडियो अपने इस शो में और चैनल पर दिखाएंगे, पूरे देश तक उस वीडियो को लेकर जाएंगे। और आप हमारा ये व्हाट्सएप नंबर आज नोट कर लीजिए, यह सबसे महत्वपूर्ण है, और यह नंबर है 8657900895। हम अपने इस कार्यक्रम में ये नंबर लगातार आपके लिए फ्लैश करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे ताकि आपको ये नंबर याद हो जाए। और हमेशा याद रखिए, शुरुआत हम कर सकते हैं लेकिन इस अभियान को अंजाम तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो आपकी होगी, इस देश के लोगों की होगी। इसलिए हमारे वो तमाम भाई जो टैक्सी चलाते हैं, जो डिलीवरी बॉयज का काम करते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो और मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, हर रोज डेली वेजर्स हैं, पूरे परिश्रम से सुबह काम पर आते हैं, रात तक मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हर रोज अपमान का घूंट पीकर अपने घर जाते हैं, ये मुहिम उन लोगों के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि यह व्यवस्था बदले, तो आपको आज से ही इसके बारे में विचार करना चाहिए। और वो तमाम लोग जो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, आज उन्हें भी ये सोचना होगा कि उन्हें यह अधिकार नहीं है कि वो किसी भी गरीब व्यक्ति का कहीं भी अपमान कर सके। ये सारे लोग वो हैं, अगर इन 80 करोड़ लोगों ने एक दिन के लिए भी काम करना बंद कर दिया तो इस देश की जो पूरी इकोनॉमी है वो रुक जाएगी। इस देश के जितने पैसे वाले लोग हैं उनका जीवन रुक जाएगा। आपको याद होगा जब कोरोना का टाइम आया था, उस समय जब लॉकडाउन लगा हुआ था, जब हमारे देश के सारे पैसे वाले लोग अपने अपने घरों में थे, बाहर नहीं निकलना चाहते थे, डरते थे कि कहीं कोविड का इन्फेक्शन उन्हें ना हो जाए, ऐसे समय में हमारे देश के यही परिश्रमी जो श्रमिक थे ये बाहर निकले और इन्होंने किसी को कोई तकलीफ नहीं होने दी और इन्होंने पूरे देश के लोगों की सेवा की। इसलिए अब हमारा ये फर्ज है कि इनके स्वाभिमान की रक्षा की जाए। ये अभियान अब ऐसे ही चलता रहेगा,
हर रोज हम आपको इस अभियान के जरिए किसी एक ऐसे ही परिश्रमी व्यक्ति की कहानी दिखाएंगे।